नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एचटेट 2020 का ये जो पेपर है वो आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले 16 का, 17 और 18 और 19 ये पेपर जो है एचटेट पीजीटी फाइन आर्ट के वो सोल्व करा चुके हैं, और ये 2020 का एग्ज़ाम है और ये पीजीटी लेवल का है, पीजीटी फाइन आर्ट। और इसमें आपको पता है जैसा कि 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, वे डिटेल के साथ में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है 91 नंबर से स्टार्ट होता है। गांधी जी की दांडी यात्रा का मूर्तिकार कौन है? गांधी जी की दांडी यात्रा ये मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार हैं वो है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हिंदी में ये जो है थोड़ा सा क्या है, मात्रा की वगैरह ये गलतियाँ होती है, लेकिन वो जो एग्ज़ाम वाले हैं, जो पेपर हैं, तो ये इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, ठीक है। साथ में आप इंग्लिश में ज़रूर देखें, अगर आपको हिंदी में कुछ भी क्वेश्चन या ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाला साथ में देख लेना। तो गांधी जी की दांडी यात्रा को लेकर के एक मूर्ति तैयार की गई है, वो देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा तैयार की गई है। ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे, इनके द्वारा ही जो आपको पता है मरीना बीच चेन्नई पे लगी एक मूर्ति है जिसका नाम, जिसका टाइटल है ट्रिम्फ ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की जीत या फिर श्रम की विजय, जो श्रम दिवस के अवसर पर तैयार की गई थी कांस्य धातु में, ये भी देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा तैयार की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो फ्रेस्को टेक्निक है, देखिए वॉल पेंटिंग में दो टेक्निक काम में ली जाती है, एक है फ्रेस्को सेको, एक है फ्रेस्को बूनो, ठीक है। सेको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सेको, दूसरी है फ्रेस्को के आगे लिखा जाता है बूनो। फ्रेस्को सेको में क्या होता है, जैसे फ्रेस्को, पहले फ्रेस्को टेक्निक आप समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे कोई भी वॉल है, पत्थर की दीवार है या सीमेंट की दीवार है, कोई भी दीवार है, उस दीवार के ऊपर सबसे पहले प्लास्टर का लेप किया जाता है, और वो जो प्लास्टर का लेप किया जाता है उसमें कई सारी चीज़ें जो मिक्स की जाती थी उसमें, जैसे चावल की भूसी है, जैसे कई तरीके की चीज़ें होती है, तो उससे एक गाढ़ा लेप तैयार करके, जिसमें गोबर भी मिक्स किया जाता था, वो एक गाढ़ा लेप तैयार करके फिर क्या है, वॉल के ऊपर लगा दिया जाता था। और वो लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर जो अंडे की जो एक वो जर्दी होती है, ऊपर वाली जो परत होती है, उतनी लेयर एक वापस से प्योर प्लास्टर की चढ़ाई जाती थी, फिर उसके ऊपर जो है वो पेंटिंग बनाई जाती थी। जैसे अजंता जो गुफा है वहाँ पे ये फ्रेस्को टेक्निक काम में ली गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अजंता है ना, वहाँ पे फ्रेस्को सेको टेक्निक काम में ली गई है, और टेम्परा टेक्निक है, ठीक है, फ्रेस्को सेको और टेम्परा कलर की टेक्निक है, टेम्परा। और वैसे कौन सी टेक्निक है, जो प्लास्टर तैयार किया गया वो फ्रेस्को सेको टेक्निक है। अब सेको बुनो में क्या, ये फ्रेस्को टेक्निक होगी, प्लास्टर तैयार कर, ये वॉल के ऊपर प्लास्टर लगा करके वॉल तैयार कर ली, उसके ऊपर पेंटिंग बनाएंगे, तो वो फ्रेस्को टेक्निक है। अब सेको बुनो में क्या डिफरेंट है, सेको का मतलब ये है कि जो हमने वॉल पे प्लास्टर लगाया है वो प्लास्टर पूरी तरह से सूख गया है, सूखने के बाद में हम काम करेंगे, तो वो फ्रेस्को सेको टेक्निक है। फ्रेस्को सेको में क्या है, रंग ज़्यादा स्थायी नहीं रह पाता, रंग क्या है धीरे 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 फीका पड़ता जाता है। और फ्रेस्को बूनो टेक्निक जो होती है वो होती है गीली टेक्निक, जिसके ऊपर क्या है, जैसे गीला गीला प्लास्टर होता है, सीलन होती है उसके अंदर, जैसे पूरा सूखा नहीं होता, पूरी अंदर सीलन रहती है, उसी के ऊपर ही हम ड्राइंग बना देते हैं, तो कलर क्या है उसके अंदर, प्लास्टर के अंदर घुस जाता है, अंदर बैठ जाता है, तो वो ज़्यादा कलर स्थायी रहता है, ठीक है। तो अजंता के चित्र धीरे धीरे क्या है, धुंधले पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रेस्को सेको टेक्निक काम में ली गई है। तो फ्रेस्को सेको में क्या है, सूखी दीवार होती है, और फ्रेस्को बुनो में गीली दीवार होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप नज़र आ रहा होगा, फ्रेस्को सूखी भित्ति, ये फ्रेस्को सेको क्या है, सूखी भित्ति। अगर सूखी भित्ति यानी कि ड्राई वॉल है, अगर वेट वॉल होती तो क्या होती, फ्रेस्को बुनो टेक्निक होती। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुगल शैली का चित्रकार जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि, यानी कि युग शिरोमणि, युग शिरोमणि इसे कहा जाता है, नादिर उज जमा की उपाधि, वंडर ऑफ द एज उपाधि दी गई है, तो वो कलाकार कौन है? तो इसमें क्या है, अबुल हसन है। कौन? अबुल हसन। आपको पता है वंडर ऑफ द एज ये उपाधि दी गई थी अबुल हसन को, ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना, इंग्लिश वाला साथ में देखना, ठीक है, अबुल हसन, अबुल हसन को ये उपाधि दी गई है। और एक कलाकार है जिसका नाम था मीर सैद अली, उसको जुदाई की उपाधि दी गई थी। एक कलाकार है
ख्वाजा अब्दुल समद, जिसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, उसको सिराजी भी कहा जाता था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पेग से संबंधित नहीं है, पेग ग्रुप से संबंधित पूछा है आपको। देखिए, मैंने पीछे वाले वीडियो में भी आपको बताया था, राजा रवि वर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि राजा रवि वर्मा जो है वो एक ऐसे कलाकार थे जो कोई भी किसी भी स्कूल या कोई भी शैली से जुड़े हुए नहीं थे और ये स्वतंत्र होकर के काम करते थे। तो राजा रवि वर्मा जो है वो पे ग्रुप से संबंधित नहीं है। बाकी सुजा, राजा हुसैन, बारे, बाकरे और गाड़े, ये प्रमुख कलाकार थे पे ग्रुप के, जो 1947 में बना था मुंबई के अंदर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएगा जो पे ग्रुप से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95, किसने देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये देखिए, मैंने कहा था आपको कि देलवाड़ा जो राजस्थान का देलवाड़ा जैन मंदिर है उसके बारे में हर बार स्टेट के एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखने को मिला है और ये आप ज़रूर याद कर लीजिए। ये कुछ खास सी बातें हैं, आप पेपर की स्ट्रेटेजी बनाने को इसको कहते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाइए, आप कंटेंट समझिए इसमें क्या पूछ रहे हैं हर बार, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो इसमें क्या है, राजा विमल शाह है और तेजपाल, ये है विमल शाह मंदिर लुणुसही और तेजपाल मंदिर, ये मंदिर है देलवाड़ा में जो जैन मंदिर कहलाते हैं। तो विमल शाह और राजा तेजपाल के द्वारा जो है वो बनवाए गए थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेड़ दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण जो है वो देखने को मिलता है या फिर निर्माण किया गया। तो आखेड़ से संबंधित है, हंटिंग सीन जो बने हैं ज़्यादातर कहाँ पे बने हैं, कोटा शैली में। कोटा शैली की खास विशेष बात यही है कि यहाँ पे शिकार से संबंधित दृश्य चित्र जो है देखने को मिलते हैं। राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, कोटा शैली की एक खास विशेष बात है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसमें कौन है, पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन जो है इनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है, इंडियन पेंटिंग यानी कि भारतीय चित्रकला, पर्सी ब्राउन की बुक है इंडियन पेंटिंग, पर्सी ब्राउन। बुक्स जो जितनी भी बुक्स है आपके, जैसे ओल्ड पेपर है नेट के हो चाहे कुछ भी ओल्ड पेपर हो, कहीं पे भी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो उनको आप एक बुक में नोट कर लीजिए सभी को और सब याद कर लीजिए। उसी वही बुक्स जो है वो बार बार रिपीट होती है, वही बुक्स जो है वो ज़्यादातर पूछते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो बुक्स को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिर तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे है, एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में, खजुराहो एमपी में है। और खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल वंशीय, चंदेल शासकों के द्वारा तैयार करवाए गए हैं, ये बात याद रखोगे, बहुत बार पूछ लेते हैं। इसके अंदर जो फेमस मंदिर है वो कौन सा है, वो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो के अंदर, कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिर है खजुराहो वाले, ये भी आप याद रखोगे, एमपी के अंदर पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की है। यहाँ पे देखिए न्यूड सीन, ठीक है, न्यूड पे सीरीज तैयार की है, वो ऐसा कौन सा कलाकार है, तो वो है के एच आरा। कौन कलाकार है, के एच आरा है, के एच आरा के द्वारा न्यूड श्रृंखला जो है, निर्वसना श्रृंखला तैयार की गई है, न्यूड पेंटिंग्स इनके द्वारा तैयार की गई है के एच आरा के द्वारा। आप गूगल करके देख लेना, आप जो है इसका काम जो है वो देख लेना ताकि याद रह जाए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत भवन कहाँ पे है, भारत भवन कहाँ पे है। 100 नंबर क्वेश्चन, भारत भवन भोपाल में है, कहाँ पे है, भोपाल में। एक है भारत कला भवन, ये नाम है भारत भवन, एक दूसरा है जिसका नाम है भारत कला भवन, भारत कला भवन एक ये है। भारत भवन तो भोपाल में पड़ता है लेकिन भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है नेट के एग्ज़ाम में, तो बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपके ये इसमें भी पूछ ले, एस्टेट में भी। तो भारत कला भवन कहाँ पे, वाराणसी में, और भारत भवन कहाँ पे है, भोपाल में। दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, भारत के, भारत भवन के बीच में कला शब्द लगा दिया तो इसका मतलब वाराणसी में, सीधा भारत भवन पूछे तो भोपाल में है।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्रकार का नाम बताइए जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन चित्र बनाया है। जमीन चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन है? MF हुसैन है। कौन है? MF हुसैन। जमीन चित्रकार जिसने बनाया है, उस विद्वान का नाम, उस चित्रकार का नाम है MF हुसैन। पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। के हेबर का पूरा नाम क्या है? कांतिगिरी कृष्ण हेबर। NS बेंद्रे का पूरा नाम क्या है? नारायण श्री द्रवेंद्रे। तो ये पूरे नाम भी आपको मालूम होने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो जमीन चित्र किसका है? MF हुसैन का। आप नोट कर लीजिए, MF हुसैन के काम एक बुक में नोट कीजिए, उनको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, करिए, और ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन थे? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन थे। उनके शिक्षक थे शैलेंद्रनाथ डे। कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे। शैलेंद्रनाथ डे जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है ना, जयपुर हुंदरी मदरसा, जो 1857 में ओपन हुआ था मुंबई में, जब खुला था जे स्कूल ऑफ आर्ट, उसी के साथ में ये खुला था, लगभग उसी सन, मतलब उसी सन में, ठीक है। और वहाँ पे प्रिंसिपल बने थे ये एक टाइम के लिए, शैलेंद्रनाथ डे। तो ये इनके गुरु रहे थे राम गोपाल विजयवर्गीय के। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजस्थान के कलाकार हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। मैंने आपको बताया था राजस्थान से संबंधित कलाकारों के बारे में भी पूछ सकते हैं, राजस्थानी कला के बारे में बहुत बार पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफा बौद्ध हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? ध्यान दीजिए, बौद्ध हिंदू और जैन तीनों धर्म की त्रिवेणी कौन सी इसमें गुफा है, लाइक ऐसे है, क्योंकि नीचे क्या है ऑप्शन में, केवल गुफाएं लिखी गई हैं। तो इसमें तीनों धर्मों की त्रिवेणी कौन सी हो जाएगी? एलोरा गुफा है। कौन सी है? एलोरा गुफा। ये इस गुफा के बारे में मैंने आपको एक बार बताया भी था, एलोरा गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं क्या है? 12 गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित, उसके बाद फिर आपकी क्या हो जाती है, 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हो जाती है, ठीक है। तो एलोरा की इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र आपको पता है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, इसके अंदर रसों के बारे में जो है वो दिया गया है, सौंदर्य शास्त्र के बारे में ये ग्रंथ माना जाता है। और एक बात और है कि कला शब्द के बारे में एक बात आती है कि सबसे पहले कला का प्रयोग, कला शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक अर्थ में, वैज्ञानिक तौर पर किसके अंदर किया गया पहले कला शब्द का प्रयोग? तो अगर वैज्ञानिक तौर पे पूछे तो ये नाट्यशास्त्र के अंदर कला शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, वेदों में, ऋग्वेद में। किसे देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में केवल और केवल शब्द प्राय है, केवल और केवल शब्द मात्र आता है, जिसमें एक श्लोक, एक लाइन है छोटी सी, यथा कला यथा सफ मग श्रीण स नयामति। यथा कला, यथा कला, तो वो कला एकमात्र शब्द मात्र वहाँ पे आता है ऋग्वेद में, जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन कला का प्रयोग हुआ है वैज्ञानिक तौर पे, कला के बारे में जिक्र हुआ है, वो नाट्यशास्त्र के अंदर हुआ है पहली बार। उससे पहले कला शब्द आया है केवल कहाँ पे? ऋग्वेद में। यथा कला यथा सफ मग श्रीण स नयामति करके एक श्लोक है, एक लाइन है, जिसके अंदर कला शब्द आया है, ठीक है। ये बात भी याद रखोगे, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा? यशोधर पंडित के द्वारा। सॉरी, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखित है। सॉरी गाइज, मैंने ये अभी नोटिस कर लिया, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, तभी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, और ये पता नहीं दिमाग में थोड़ा सा गलत आइडिया आया है। तो आप ये याद रखना कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, यशोधर पंडित का, सॉरी वो नाट्यशास्त्र नहीं है, उनका है जयमंगला नाम से ग्रंथ, जो वात्स्यायन का कामसूत्र लिखा गया था उसका टीकाकरण किया था यशोधर पंडित ने, जो जयमंगला नाम से था। माफी चाहूंगा फ्रेंड्स, जयमंगला नाम से यशोधर पंडित का ग्रंथ था, लेकिन नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का। तो इसमें भरत मुनि ने
सौंदर्य शास्त्र के बारे में जिक्र किया है, रसों के बारे में 8 रस बताए थे इन्होंने नाट्य शास्त्र के अंदर। और इसी नाट्य शास्त्र में कला शब्द का वैज्ञानिक अर्थ में पहली बार प्रयोग हुआ है। कला शब्द मात्र पहली बार जो आया था वो कहाँ पे आया था, वो ऋग्वेद में आया था। ठीक है, जो अभी मैंने बताया वो कंटेंट सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवनींद्र नाथ ठाकुर द्वारा भारतीय कला में कौन सी, इंग्लिश में साथ में देख लीजिए, कौन सी नई तकनीक से परिचित कराया गया? तो वो थी कौन सी, वो टेक्निक जापान से सीखने गए थे, जापान से सीख करके आए थे, याको हमाताई काम, जापानी टेक्निक, वहाँ पे वहाँ से सीख के आए थे अवनींद्र नाथ ठाकुर, जापान गए थे टूर। तो ये बंगाल से ली की ये खास विशेष थी, वो टेक्निक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शैलियों को कालक्रम के अनुसार रखना है। अब यहाँ पे देखिए, इनमें से सबसे पुरानी वाली कौन सी, आपको पता होगा इनमें से सबसे पुरानी जो है वो कौन सी है, अजंता शैली है। इतना आप ओबियसली समझ गए होंगे, इन सबसे जो प्राचीन है वो कौन सी होगी, अजंता शैली। तो अजंता शैली को सबसे पहले रखेंगे तो किस किस में आ रहा है, एक नंबर ऑप्शन में आ रहा है, दो कट गया आपका, तीन में आ रहा है, चार कट गया। तो अजंता शैली को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है, अजंता शैली है। उसके बाद में फिर हम रखेंगे कौन सी को, जैन शैली को रखेंगे। जैन शैली देखो दोनों में ही आ रही है, फिर भी पहला और तीसरा क्या है, दोनों ही ऑप्शन अभी तक सही जा रहे हैं। फिर जैन शैली के बाद में फिर आती है मुगल शैली। क्योंकि आपको जैसे कि पता है, एक बात बताता हूँ, आपने पढ़ी भी होगी ये बात, कि मुगल चित्रकला का जब पतन होता है तो वहाँ के कलाकार दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जा करके शरण लेते हैं। जैसे कि आपको पहाड़ी शैली में पढ़ने को मिलता है कि पहाड़ी शैली में मुगल चितेरे, जब मुगल कला का पतन हो गया था, औरंगजेब कट्टर शासक आ गया था, उस समय के वहाँ के जो कलाकार थे वो भाग के यहाँ पे आ गए थे पहाड़ी क्षेत्रों में, और यहाँ पे आकर के पहाड़ी शैली का विकास किया था। तो इसका मतलब कांगड़ा शैली बाद की है और मुगल शैली पहले बन चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, कांगड़ा क्या है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। तो पहले मुगल शैली को रखेंगे, फिर कांगड़ा को रखेंगे, तो तीन नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से समझना है, फिर आपको आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ओलियोग्राफ का इस्तेमाल और स्थापना की थी। ओलियोग्राफ, इसमें से ऐसा कौन सा कलाकार है? अब इसमें है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ का इस्तेमाल किया था। इसमें ये ओलियोग्राफ होता क्या है दोस्तों, लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी इन्होंने, और पहली प्रिंटिंग प्रेस राजा रवि वर्मा, और वो 1894 में स्थापित की गई थी। 1894 में कब स्थापित की गई थी, 1894 में, और मुंबई के अंदर गिरगांव पड़ता है, गिरगांव मुंबई में ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो स्थापित की गई थी 1894 में, जुलाई 1894 में, कब, जुलाई में। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी उससे पहला जो प्रिंट निकाला गया था वो शकुंतला का प्रिंट निकाला गया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं बर्थ ऑफ शकुंतला। तो ये शकुंतला भी इसको बोलते हैं, इस पेंटिंग को। तो उसके जो लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस थी, क्रोमोलिथोग्राफ, सबसे पहले ये प्रिंटिंग प्रेस से छापा गया था राजा रवि वर्मा के द्वारा, और सर माधवराज की सहायता से ये मुंबई के अंदर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी, ठीक है, 1894 में। और ये राजा रवि वर्मा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, ये बात याद रखना आप। और जो प्रिंटिंग प्रेस से जो बहुत सारे प्रिंट्स निकाले गए थे ना, उनको बोलते हैं ओलियोग्राफ, जो प्रिंटिंग प्रेस से निकले थे उनको ओलियोग्राफ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? कल्पसूत्र पोथी चित्र, कल्पसूत्र क्या है, पोथी चित्र के बारे में पूछा है। मैन्यूस्क्रिप्ट इज मेनली नाउन इन विच स्कूल, तो ये आपको पता होगा जैन स्कूल से संबंधित है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैन शैली। कल्पसूत्र क्या है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जैन शैली का हो जाएगा कल्पसूत्र। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ण क्या है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्ण क्या है, वस्तु का गुण है, या भावना का गुण है, या फिर रेखांकन का गुण है, या फिर प्रकाश का गुण है? तो वर्ण जो होता है, रंग जो होता है, वो प्रकाश का गुण होता है। किसका गुण है, प्रकाश का गुण है। प्रकाश के अंदर क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। उन 7 कलर को, 7 जो प्रकाश के अंदर, देखिए ध्यान रखना, कोई भी सफ़ेद रंग का जो प्रकाश होता है ना, उसके अंदर 7 रंग होते हैं, जिसको बोलते हैं विबग्योर। अब वो विबग्योर 1601 के अंदर आइजक न्यूटन के द्वारा उनको देखा गया था, प्रिज्म की सहायता से, स्पेक्ट्रम देखा गया था प्रिज्म की सहायता से, ठीक है।
और उसके अंदर जो विबिग्योर बना था, धनुष इंद्रधनुष में क्या होते हैं विबिग्योर, सात कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हो गए आपके सात कलर। अब इसमें क्या है, इन कलर के अंदर तीन कलर प्राथमिक होते हैं, क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, ये तीन कलर होते हैं प्राथमिक कलर, ये प्रकाश के तीन प्राथमिक कलर हैं। अगर भौतिक जो रंग हम यूज़ में ले रहे हैं उनमें अगर प्राथमिक कलर पूछे तो क्या होंगे, लाल, पीला, नीला, और वो प्रकाश के कलर हो गए आरजीबी, ठीक है, लाल, हरा, नीला। अब ये 1601 के अंदर आइजैक न्यूटन के द्वारा क्या है, इसका जो है विबिग्योर हमें दिया गया था प्रिज्म की सहायता से, सात कलर जो है प्रकाश के अंदर बताए थे कि वाइट प्रकाश जो होता है उसके अंदर सात रंग होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखोगे, ये प्रकाश का गुण है रंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य किस लिए काम में लिया जाता है, परस्पेक्टिव, क्योंकि उसमें क्या है त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बात, ये क्वेश्चन भी अगर इस तरीके से हो कि परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तब आप क्या कहोगे, द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दर्शाना ही परस्पेक्टिव कहलाता है। परस्पेक्टिव क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, तब आप ये जवाब दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, परस्पेक्टिव दर्शाने में पोतीय गुण, पोत मतलब होता है टेक्सचर में गुण की वृद्धि करना, नहीं ऐसा नहीं है, द्विआयाम को सुरक्षित रखना, नहीं द्विआयाम तो सुरक्षित नहीं रखना है, हमें त्रिआयाम करना है, तान की विविधता को सृजन करना है, नहीं दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए, बिल्कुल परस्पेक्टिव में दूरी का भ्रम पैदा होता है, ये परस्पेक्टिव है, परस्पेक्टिव में जैसे रेल की पटरी जाती है तो इसमें क्या है दूरी का भ्रम पैदा होता है, क्या होता है दूरी का भ्रम पैदा, ऐसे लगता है ये दूर जाती मिलती दिखाई दे रही है, बहुत दूर तक दिखाई दे रही है, अगर मैं सीधी खींचती हूँ ये कोई इसमें दूरी नहीं है, ये आप देख रहे हो ऊपर से देख रहे हो, ये क्या है, ये एक साइड में खड़े हो आप देख रहे हो बहुत दूर तक जा रही है, यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ भी इस तरीके से जाएगा, ये इधर इतना छोटा हो जाएगा फिर इतना, और ये धीरे धीरे क्या इतने पास पास होते जाएंगे, एकदम पास, लास्ट में इस तरीके से एकदम पास हो जाएंगे, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं परस्पेक्टिव। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धनराज भगत अपनी किस विद्या के लिए जाने जाते हैं, धनराज भगत मूर्तिकार है, क्या है, मूर्तिकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्कल्पचर हो जाएगा, धनराज भगत स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि सिद्धांत किसका है, ध्वनि सिद्धांत है आनंदवर्धन का, ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत किसका है, आनंदवर्धन का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये जो है ना, इसमें अनुमितिवाद सिद्धांत है श्री शंकुक का, फिर भुक्तिवाद है भटनायक का, और आरोपवाद है भटलोलट का, और अभिनव गुप्त का कौन सा है, अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद या अभिव्यक्तिवाद कह सकते हैं। तो ये अनेक सारे सिद्धांत दिए गए हैं अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा, उनको आप याद कर लेना, सौंदर्य शास्त्र की बुक में मिलेंगे आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पदम पाणी, बोधिसत्व पदम पाणी का भित्ति चित्र है ये, अजंता गुफा की संख्या एक में बना है, अजंता गुफा संख्या एक में, ये देखिए फ्रेस्को पेंटिंग लिखा है ना, भित्ति चित्र को भी बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, अजंता में फ्रेस्को सेको टेक्निक काम में ली गई है, फ्रेस्को सेको टेक्निक भी है और टेम्परा टेक्निक भी है, अब फ्रेस्को सेको भी है टेम्परा भी है, दोनों टेक्निक कैसे हो गई, क्योंकि जो भित्ति टेक्निक तैयार की गई है ना वो तो फ्रेस्को टेक्निक हो गई है, फ्रेस्को सेको, और जो कलर लगाने की टेक्निक है ना वो टेम्परा टेक्निक है, जैसे तेज रंग की टेक्निक काम में ली गई है या जल रंग की, तो इसमें क्या है टेम्परा टेक्निक काम में ली गई है, क्योंकि रंग जो तैयार किया गया था उसके अंदर अंडे की जर्दी मिला करके तैयार किया रंग जो है लगाया गया था, जैसे लेपिस लाजुली पत्थर है नीला, उसको घिसा, घिसने के बाद में जो फारस से आयात किया जाता था लेपिस लाजुली नीला पत्थर, उसको घिसा, घिसने के बाद में उसके अंदर अंडे की जर्दी मिला करके फिर उस रंग को काम में लिया गया, दीवार के ऊपर लगाया गया, तो वो टेम्परा टेक्निक हो जाती है जब अंडे की जर्दी मिला करके रंग को काम में लेते हैं तो, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रेखाओं के बारे में मैंने बोला है कि रेखाएं बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, रेखा और रंग के भाव हमसे ज़रूर पूछते हैं, तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल गए। खड़ी रेखा कौन सा भाव प्रदर्शित करती है, आधार या व्याकुलता या फिर असपष्टता या फिर गौरव, खड़ी है एकदम खड़ी रेखा है तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि ये डिग्निटी है, यानी कि डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, गौरव का प्रतीक है, जैसे खड़ा पिलर है तो वो गौरव का प्रतीक है, स्तंभ है ना गौरव का प्रतीक,
सारनाथ स्तंभ सीधा खड़ा है, गौरव का प्रतीक है। इस तरीके से वो खड़ी रेखा में हो गया। फिर है चक्राकार रेखाएं। ये चक्राकार रेखाएं क्या अभिव्यक्त करती है? ये उत्तेजना है या फिर शक्ति है या फिर गति दर्शा रही है या फिर आघात दर्शा रही है। चक्राकार रेखाएं, सॉरी मैंने आपको कहा था प्रश्न ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या है? नहीं करती है, क्योंकि ऑप्शन देखे मुझे लग रहा था कि उत्तेजना भी आ जाती है, शक्ति दिख रही है इसमें। जैसे कहते हैं ना शक्ति किस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके शक्ति भी हो जाती है, पावर भी है, एक्साइटमेंट भी दिखाई दे रहा है, गति भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें आघात नहीं है। इस रेखा के अंदर आघात जो है वो नहीं है चक्राकार रेखाओं में, तो अभिव्यक्त नहीं करता ये हमसे पूछा है। तो थोड़े से क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखाओं के भाव पढ़ लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परिवार जो राम किंकर बेज के द्वारा बनाई गई मूर्ति है, सीमेंट एंड कंक्रीट माध्यम में बनाई गई है। किस में बनाई गई है? सीमेंट एंड कंक्रीट में, जो शांति निकेतन के अंदर अभी भी वर्तमान में लगी हुई है। सीमेंट एंड कंक्रीट इसमें सही हो जाएगा, राम किंकर बेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी, पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है पंचमढ़ी। प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र है, यहाँ से कई प्रकार के चित्र मिले हैं पंचमढ़ी से, ठीक है? ये याद रखोगे आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा दर्शाना और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किए जाने को सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसको प्रमाण कहते हैं या अंतराल कहते हैं या फिर सरणी अनुपात कहते हैं या फिर परिप्रेक्ष्य कहते हैं, आप क्या कहोगे इसको? अभी मैंने बताया इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। यानी कि पर्सपेक्टिव में क्या होता है? एक तो वो होता है रेल की पटरी वाला भी, ये भी पर्सपेक्टिव है। दूर की वस्तु छोटी है, पास की वस्तु क्या है? बड़ी दिखाई दे रही है, ये भी क्या है? ये भी पर्सपेक्टिव है। दूर की छोटी, पास की बड़ी बड़ी वस्तु है। आपने देखा होगा, आप दूर कहीं देखते हो, छत पे चढ़ के देखना, पास के पेड़ बड़े दिखाई दे रहे हैं, दूर जैसे भी दूर देख रहे हो दूर के पेड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो पर्सपेक्टिव तो है, उसी को तो परिप्रेक्ष्य कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक है? एक सावंत सिंह है, एक संसार चंद है। संसार चंद तो कांगड़ा शैली के हैं। अब इसमें किशनगढ़ शैली शब्द जरूर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे कई बार इसमें। तो एक है सावंत सिंह, आपने सुना होगा सावंत सिंह, सावंत सिंह है, इसको नागरीदास की उपनाम की उपाधि मिली है, ये किशनगढ़ शैली का है। लेकिन संसारचंद किसका है? कांगड़ा शैली का संरक्षक है। सावंत सिंह नागरीदास की उपाधि वाला किशनगढ़ शैली का है, ये याद रखोगे। इसमें बहुत बार क्या है बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर 120 नंबर क्वेश्चन, राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये मैंने कहा था कि ये राजस्थान के कलाकार हैं, राजस्थान के जब कलाकार आप पढ़ते हो वहाँ पे ये आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो ये स्वाई माधोपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्वाई माधोपुर में 1906 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? राम गोपाल विजयवर्गीय। तो ये यहाँ पे आपके हो गए कुल 30 क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 1 आपका हो गया कम्प्लीट। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा सारे क्वेश्चन इसी में कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए क्या है दूसरा वीडियो हम बनाएंगे इसका, जो बाकी का जो पार्ट बच गया है उसका। और आशा करता हूँ ये क्लासेज जो है, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्लासेज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पास में बेल आइकन है उसके सब्सक्राइब वाले बटन के पास में, उसको भी प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियोस अपलोड करें तो उसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो इसी के साथ में हम वीडियोस यहीं पे करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।